सीएम योगी ने जल्द इंसाफ में रुकावट बन रहे अफसरान पर लिया एक्शन, खराब मुजाहरे वाले 73 अफसरान को जारी किया नोटिस। यूपी में आम लोगों की शिकायत न सुनने पर कार्रवाई, 3 एडीजी, 5 आईजी, डीआईजी, 10 एसएसपी से मांगा जवाब। योगी सरकार के मिशन रोजगार में आई तेजी, यूपी में खुलेगी कौशल विकास यूनिवर्सिटी, रियासती सरकार के 10 लाख नौजवानों को कौशल विकास की तरबियत देने का हदफ। प्रयागराज में अतीक अहमद पर होगा ईडी का एक्शन, 30 करोड़ के अमलाक अटैच करने की तैयारी। बदसलूकी कांड के मुलजिम श्रीकांत त्यागी के अलिया से एसपी डेलीगेशन से मिलने पर पार्टी में मुखालफत, नोएडा महानगर नायब सदर ने पार्टी छोड़ी। यूपी के मेरठ में तलाक का अजीबोगरीब मामला आया सामने, इल्जाम है कि मोटी होने पर शौहर ने बीवी को तलाक दिया। यूपी के गाजीपुर में आसमानी बिजली से परिवार के 3 लोगों की मौत, धान की रोपाई के दौरान हुआ हादसा। नोएडा के ट्विन टावर के मलबे से ढूंढ निकाले गए 2 ब्लैक बॉक्स, अब सामने आएंगे ब्लास्ट से जुड़ी कुछ आम जानकारियां, ब्लैक बॉक्स की मदद से वाइब्रेशन और साउंड का साइंसदान करेंगे स्टडी। हमीरपुर में घटने लगा यमुना और बेतवा नदी का सतह, पानी घटने के बाद घरों के सामने गंदगी और कीचड़ से बीमारी फैलने का अंदेशा। प्रयागराज में तेजी से घट रहा है गंगा यमुना का पानी, अगले 1 से 2 दिन में लोगों को मिल सकती है राहत। उत्तराखंड के सीएम धामी ने असेंबली स्पीकर को लिखा खत, असेंबली सेक्रेटरियट में की गई तकरीरों की होगी जांच। यूके एसएसएससी पेपर लीक मामले में बड़ा एक्शन, साबिक सेक्रेटरी संतोष बड़ोनी को हुकूमत ने किया सस्पेंड। आगरा म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में ताजमहल का नाम तेजो महाले करने की तजवीज पर सरकार संजीदा, धरना देने वाले काउंसलर्स की खुफिया रिपोर्ट की तलब, रुकनियत खत्म करने और इंतखाब लड़ने पर लगाई जा सकती है रोक। भदोही से साबिक दबंग एमएलए विजय मिश्र के परिवार पर कसा गया शिकंजा, गैंगस्टर एक्ट के तहत 3 करोड़ 34 लाख की गैर कानूनी इमलाक, इंतजामिया ने की कुर्क। पूरे मुल्क में खवातीन जराय में कसूरवारों को सजा दिलाने में यूपी नंबर 1, दूसरी रियासतों के मुकाबले 7,000 से ज्यादा मामलात में मुलजिमान को दिलाई गई सजा। गैर मंजूर शुदा मदारिस के सर्वे को लेकर योगी सरकार के हुक्म पर ओवैसी ने उठाए सवाल, पूछा जब मदद नहीं देते तो सर्वे क्यों। मदारिस के सर्वे को लेकर एसपी एमपी शफीकुर रहमान बर्क का बयान, कहा सरकार उठाए गैर मंजूर शुदा मदारिस का खर्च, मुसलमानों को तालीम के लिए प्राइवेट मदरसे जरूर। यूपी में गैर मंजूर शुदा मदारिस का होगा सर्वे, 10 सितंबर तक होगी सर्वे टीम तश्कील, 5 अक्टूबर तक चलने वाले सर्वे की रिपोर्ट डीएम को सौंपी जाएगी। बलरामपुर दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ, शक्तिपीठ देवी पाटन मंदिर में सीएम योगी की साधना। नोएडा में आने वाले त्योहारों को देखते हुए दफा 144 नाफिज, जिले में 30 सितंबर तक नाफिज रहेगी दफा 144, हुक्म के खिलाफ अर्जी करने पर दफा 188 के तहत की जाएगी कार्रवाई। मऊ में साबिक एमपी अर नारायण ओपी राजभर को मुख्तार का शूटर बताएगा, ओपी राजभर राजभर जात के नहीं बिहार जात के। कल 2 रोजा दौरे पर बिजनौर पहुंचेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ, नई तामीर की गई पुलिस लाइन का करेंगे इफ्तिताह, आवामी जलसे को खिताब भी करेंगे सीएम योगी। मथुरा में 16 लाख रुपए की शराब की गई जब्त, साल 2017 से 2022 तक जेर इल्तवा एक्साइज एक्ट के मुकदमात के मामले में हुई कार्रवाई। कन्नौज में डिलीवरी के बाद नौजायदा ने तोड़ा दम, लापरवाही का इल्जाम लगा परिवार ने जिला अस्पताल में काटा हंगामा, सीएमएस ने दिए जांच के।
अमेठी में पुलिस कस्टडी में शख्स की मौत। गौरीगंज कोतवाली पुलिस पर लगा कत्ल का इल्जाम। बैंक में खातून से टप्पेबाजी करने का लगा था शख्स पर इल्जाम। ग्रेटर नोएडा में झूले में करंट उतरने से एक बच्चे की मौत। गणेश उत्सव के दौरान सिटी पार्क में चल रहा था मेला। नोएडा में हमला, खातून की इलाज के दौरान हुई मौत। आईबीएफ क्रिएशन वॉल सेंटर में इलाज के दौरान लापरवाही का इल्जाम। एमबीबीएस की फर्जी डिग्री की बुनियाद पर आईबीएफ सेंटर चला रहा डॉक्टर गिरफ्तार। यूपी में बलदियाती इंतखाबात के खर्च की हद बढ़ाई गई, करीब डेढ़ गुना तक बढ़ाई गई खर्च की हद। रियासत इलेक्शन कमीशन ने लिया फैसला। उत्तर प्रदेश के 18 अजला के करीब 1100 इलाके सैलाब से हुए मुतासिर। सीएम योगी की हिदायत पर एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और पीएसी की 47 टीमें राहत मुहिम में जुटी। यूपी के आजमगढ़ में कांग्रेस की मीटिंग में जमकर हुई मारपीट। शूटिंग को लेकर हुआ तनाजा, मारपीट का वीडियो वायरल। यूपी के गाजीपुर में बड़ा नाव हादसा। सेवराई तहसील में 35 लोगों से भरी नाव नदी में पलटी, 8 लोग डूबे। ओवरलोडेड होने की वजह से पलटी थी नाव, 3 लोगों को गोताखोरों ने बचाया। लापता 5 लोगों की तलाश में लगी गोताखोरों की टीम। यूपी में अलीगढ़ के मडराक नगर पंचायत का नाम श्रीराम नगर करने पर कांग्रेस की मुखालफत। कांग्रेस लीडर ने गवर्नर को सौंपा मेमोरेंडम। ओवैसी की पार्टी आईएमआईएम अजला के नाम बदलने वाली सियासत पर उतरी। गोरखपुर, गाजीपुर और रामपुर का नाम बदलने को लेकर सीएम योगी से मांग। यूपी के मुरादाबाद में कारखाने के अंदर घुसे बदमाश, गार्ड की बंदूक छीनकर भागे। सीसीटीवी में कैद वारदात की तस्वीर। यूपी के अलीगढ़ में साबिक एमएलए प्रमोद शर्मा के कत्ल की साजिश रचने का इंकशाफ। बीजेपी के चेयरमैन समेत 6 शूटर्स को किया गया गिरफ्तार। यूपी के सीतापुर में शौहर की 5वीं शादी से नाराज बीवी ने किया हंगामा। बच्चों समेत खातून के घर पहुंचकर मारपीट, वीडियो हुआ वायरल। ट्विन टावर गिराने के बाद आसपास की इमारतों में दरार की शिकायत मिली। दीवारों में पहले से थी या बाद में आई दरार, इसकी जांच शुरू। एक परिवार के लिए मसीहा बनी ग्रेटर नोएडा पुलिस। 2.5 साल से लापता चल रहे बहरे बच्चे को परिवार से मिला। नोएडा में कार सवार 5 नौजवानों ने सोसाइटी के अंदर घुसकर तालबेलम से की पिटाई, वाकये का सीसीटीवी रिकॉर्ड। नोएडा सेक्टर 20 से 2 गांजा तस्कर गिरफ्तार। पुलिस ने 2 किलो 600 ग्राम गांजा और एक बाइक बरामद। नोएडा पुलिस ने घरों में चोरी करने वाले गैंग का इंकशाफ किया है। सेक्टर 51 चौकी इंचार्ज विपिन गौतम उनकी टीम ने जल विहार गोल चक्कर के पास से गिरोह के 2 बदमाशों को पकड़ा। यूपी में बड़ा इंतजामी फेरबदल, 16 आईएएस अफसरान के तबादले। संजय प्रसाद को जानकारी और अवामी राबते की जिम्मेदारी। यूपी में जगह जगह आए सैलाब के बीच अगले 24 घंटे के अंदर 32 अजला में अलर्ट। महकमा मौसमियात ने जताया भारी बारिश का अंदेशा। झांसी में ढाबा ऑपरेटर कस्टमर के बीच मारपीट का वीडियो वायरल। पुलिस की मौजूदगी में होती रही हाथापाई। हरदोई मोई डेथ मिस्ट्री को सुलझाने के लिए पहुंची फॉरेंसिक टीम ने किया सीन रिक्रिएशन। 2 साल पहले पुलिया के नीचे खून से लथपथ मिली थी लाश। कुशीनगर में बीजेपी बूथ सदर की पिटाई का मामला, बीजेपी के लीडरान ने जताई नाराजगी।
वाराणसी में गंगा खतरे के निशान से नीचे, राहत और बचाव के काम में जुटी एनडीआरएफ की टीम। सहारनपुर में कस्तूरबा गांधी रेजिडेंशियल स्कूल की वार्डन समेत 3 कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन को किया गया बर्खास्त। खाना खाने के बाद कई तालबा बीमार हुई थी, जांच कमेटी ने पाया कसूरवार। बागपत में पुरानी रंजिश में किसानों पर हमला, एक के मौके पर ही मौत, एक शदीद तौर पर जख्मी। चंदौली में सैयद राजा एमएलए सुशील सिंह ने सैलाब मुतासर इलाकों का किया दौरा, जरूरी चीजों को फौरी तौर पर मुहैया कराने के लिए अफसरान को दी हिदायत। मुजफ्फरनगर में भारतीय किसान यूनियन के कौमी सदर नरेश की कैद का वीडियो वायरल, गांव के एक शख्स के साथ की बदसलूक। शाहजहांपुर पुलिस ने बाइक चोरों के गैंग का बड़ा इंकशाफ करते हुए 2 बाइक चोरों को किया गिरफ्तार, चोरी की 14 मोटरसाइकिल बरामद। फरुखाबाद में डॉक्टर ने इलाकाई ऑफिसर के साथ की बदसलूकी, रेप मुतासरा के मेडिकल से जुड़ा है मामला। रायबरेली में नेशनल हाईवे पर तेज रफ्तार बेकाबू ट्रक घर में घुसा, ट्रक की जद में आकर एक शख्स समेत 2 गौवंशों की मौत। हरदोई में गांव प्रधान के चोरी से दरख्त कटवाने के मामले में 2 सिपाही लाइन हाजिर, पुलिस की मौजूदगी में प्रधान ने गैर कानूनी तरीके से नीम का दरख्त कटवा दिया था। कर्नाटक दौरे पर बेंगलुरु पहुंचे सीएम योगी, वेलनेस सेंटर का किया इफ्तिताह। यूपी में सियासत के नए महाज के सुख बुगाहट, शिवपाल यादव और डीपी यादव की क्यादत में एक मंच पर जुटेंगे कई यादव लीडर। कानपुर में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की छापेमारी, प्रॉपर्टी डीलर राजू चौहान देशराज के ठिकानों पर छापा। यमुना एक्सप्रेसवे पर सफर करना हुआ महंगा, एक्सप्रेसवे से गुजरने पर गाड़ी चलाने वालों को देना होगा बढ़ा हुआ टोल टैक्स।